खबरों में बात करते हैं मध्य प्रदेश के कराड़िया की गौशाला में आयोजित भागवत कथा की, जहां संत भरत जी भट्ट बलेड़ी ने कहा, कर्म करते रहे फल की चिंता ना करें। सेवा और समर्पण से ही मनुष्य व मानवता का संपूर्ण विकास होता है। श्रम मनुष्य के हर परिस्थिति में विकास के लिए सहायक होते हैं। वे माता पिता भाग्यशाली होते हैं जिनके अधूरे सपने उनके पुत्र द्वारा पूरे किए जाते हैं। ये बात कराड़िया में संचालित माँ जोगनिया गौशाला में संत श्री भरत जी भट्ट बलेड़ी ने 7 दिवसीय भागवत कथा के तृतीय दिवस पर कही। इस अवसर पर कथा को सुनने समस्त गाँव वासी उपस्थित थे। तृतीय दिवस के प्रसादी गांव के सेठिया परिवार की ओर से की गई थी। विदुरानी ने कहा कि देखो, आज तो मेरे अकारण करुणा वरुणालय पिताम्बरी धारी आ रहे हैं, उनके दर्शन तो कैसे हो। पर एक बात और है कि मेरे पिता मंत्री पद था तो उनके पास में चला जाता था, उनकी सेवा चाकरी हो जाया करती थी। अब तो मंत्री पद भी नहीं है, क्या करूं, बड़े विचार हैं। परंतु उनने कहा कि देखो विदुरानी, कान्हा की रथ यात्रा आ रही है और कान्हा अपने बिगड़ रह नहीं सकता है, वो मेरे सामने जरूर देखेगा। वो मेरे सामने कान कंद जी मेरे सामने जरूर देखेंगे, क्योंकि प्रेम है और प्रेम ऐसी चीज है भाई, ये एक प्रेम है भक्तों और भगवान का चीज है। प्रेम, उस प्रेम के रस में कोई उतरे नहीं अभी, उस परमात्मा के प्रेम में कोई नहीं उतरे। सब प्रेम में जरूर उतरे, पर ये संसारी प्रेम है, ओपन टू क्लोज, कोई सार नहीं है, ओपन टू क्लोज।